हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं मायो चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप कोई भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हो। कभी आपने स्नैक्स बनाया है तो उसके साथ भी इसे दे सकते हो और सैंडविच में भी लगा के दे सकते हो। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए और साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कभी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच मेयोनीज ले लिए। इसी से हम मायो चटनी बनाएंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा ऑरिगेनो। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हो। और कलर के लिए डालेंगे हम रेड फूड कलर, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। मैं इसमें डाल देती हूँ, अगर आप चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप कोई भी स्नैक्स है या कोई भी नाश्ता है उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी मायो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आया है। बस आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ घंटे का बटन दबाइए, जिससे आपको कभी भी मैं वीडियो शेयर करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले।